दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कि आपके मोबाइल की लॉक स्क्रीन का पासवर्ड बार बार बदलता रहे और किसी को पता भी ना चले? जैसे कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर जो भी टाइम हो रहा होगा, क्या आप भी उसी को ही अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन का पासवर्ड बनाना चाहते हैं? यानी कि दोस्तों, जैसे कि मेरे फ़ोन पर अभी 5:12 हुए हैं। दोस्तों, जैसे ही मैं अपने फ़ोन को जो है लॉक करूँगा, उसके बाद ऑन करूँगा, दोस्तों जैसे ही मैं अपने जो है पासवर्ड डालने के लिए जाऊँगा, दोस्तों जो भी मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर जो टाइम हुआ होगा, वही मेरा जो है स्क्रीन का लॉक का पासवर्ड होगा। दोस्तों, जैसे ही आप वो पासवर्ड डालोगे, जैसे कि जो भी टाइम होगा, जैसे ही वो आप टाइम डालोगे, उसके बाद दोस्तों आपके जो स्क्रीन का लॉक है वो खुल जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने अपने फ़ोन के डायलर पैड में जाना है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों, जैसे ही आप अपने फ़ोन के डायलर पैड में जाओगे, उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर जो है एक कोड डायल करना है, जो है दोस्तों *#*4636#*#*। दोस्तों, जैसे ही आप ये डायल करोगे, उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, जो है बैटरी कैपेसिटी टेस्ट। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, दोस्तों अगर आपके फ़ोन की जो है बैटरी बड़ी ही स्लो चार्ज होती है, या आपके फ़ोन की जो बैटरी है पहले जल्दी चार्ज होती थी, अब स्लो चार्ज होती है, अगर दोस्तों आप अपने फ़ोन की जो है बैटरी में प्रॉब्लम देखना चाहते हैं कि मेरे फ़ोन की बैटरी में क्या प्रॉब्लम है जो ये स्लो चार्ज होती है, तो दोस्तों आप इस कोड को डायल करके देख सकते हो कि मेरे फ़ोन की जो बैटरी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके फ़ोन की बैटरी कितने वोल्ट की है, या आपके बैटरी का टेम्परेचर क्या है। दोस्तों, आप यहां पर जो है अपनी बैटरी की सारी परफॉर्मेंस देख सकते हो। दूसरे नंबर पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप अपने फ़ोन के टाइम को ही अपनी स्क्रीन लॉक का पासवर्ड बना सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाओगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर ऊपर की तरफ सर्च करना है स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ ये सर्च करोगे, उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक जो है ऐप दिखाया गया होगा, दोस्तों आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस ऐप में जाकर एक ऑप्शन को ऑन करना होगा, आपको सामने ही दिखाई दे जाएगा। दोस्तों, आपने उसे ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने रिकवरी पासवर्ड भी डाल देना है, यानी कि दोस्तों अगर आपके फ़ोन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन के लॉक के पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं उस पासवर्ड की मदद से। तो दोस्तों आपने रिकवरी पासवर्ड भी जरूर से डाल देना है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको देना चाहता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।